नमस्कार दोस्तों, कामयाब जिंदगी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं दोस्तों आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि फ्लिपकार्ट पर आप अपना पहला ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस प्रक्रिया को समझेंगे। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। अगर आप फ्लिपकार्ट पर कोई भी सामान बेच रहे हैं तो स्टेप्स जो होते हैं, प्रक्रिया जो है वो सेम ही रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑर्डर कैसे चेक करते हैं और उसके बाद लेबल कैसे निकालते हैं, प्रिंट कैसे निकालते हैं, कौन कौन से प्रिंट जरूरी होते हैं, साथ ही साथ पैकेजिंग के लिए क्या क्या जरूरी होती है। तो मैं बुक के एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा क्योंकि मैं बुक सेलर हूँ। उसके बाद आपके पैकेजिंग के बाद किस तरह से पिकअप बॉय आपके आपके पैकेजिंग को लेकर जाता है आपके घर से। तो ये सब चीज़ें हैं और कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये सभी चीज़ों को जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कोई भी स्टेप मिस मत कीजिए, ये एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि ऑर्डर किस तरह से हम चेक करते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड के मेन पेज पर और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक न्यू ऑर्डर दिखाया जा रहा है। हमारे पास एक नया ऑर्डर आया हुआ है, इसे हम चेक करेंगे। तो ऑर्डर टैब पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए हमें सारी जानकारी मिल रही है कि हमारे पास कितने ऑर्डर आए हैं। तो नीचे देख सकते हैं आप, एक बुक का ऑर्डर आया हुआ है हमारे पास। तो इस बुक को ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो बॉक्स है इसे चेक करेंगे। चेक करने के बाद दोस्तों जेनरेट लेबल पे आपको क्लिक करना है ताकि आप इसका जो है प्रिंटिंग निकाल सकें। इसमें लेबल होता है और इसमें जो कोड स्कैनर होता है उसको मैं दिखाता हूँ आपको आगे। और यहाँ पर देखिए सारे डिटेल्स आ गए हैं इस बुक का। तो अब आप प्रोसेस लेवल पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि प्रोसेस करने के लिए, तो देखिए यहाँ से पेंडिंग लेवल हट गया है। अब यहाँ पर आपका एक आ गया कि आपका लेवल जो है सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। तो लेवल जब सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है तो उसको फोल्डर में देख लेते हैं हम जाकर। देखिए फ्लिपकार्ट पे ये है दोस्तों मेन चीज़, जो एक हमें बॉक्स के ऊपर रखना है, यानी कि पैकेज जो करेंगे उसके ऊपर रखना है ऊपर वाला पार्ट, और नीचे का जो ये पार्ट है ये कस्टमर का बिलिंग कॉपी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वन पेंडिंग RTD, यानी कि अभी आपका रेडी टू डिस्पैच नहीं है, ये पेंडिंग है। तो इसको भी करना होता है ज़रूरी। ये आप तभी करें जब आपका बुक रेडी हो जाए, पैकेजिंग रेडी करके, या फिर अगर आपके पास घर में प्रिंटर है तो आप जब डिलीवरी बॉय आता है लेने के लिए, कोई मतलब कि पिकअप बॉय, तब भी आप प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे मार्केट जाकर लाना होता है तो मैं सब कुछ निकाल लूँगा पहले ही सारे लेबल्स, तब आगे बढ़ूँगा। देखिए मैंने पेंडिंग RTD पे क्लिक किया तो यहाँ पर दिखा रहा है कि मार्क RTD। दोस्तों मार्क RTD करने का मतलब है रेडी टू डिस्पैच, और ये बहुत सोच समझ कर कीजिए। अगर आपका अगर प्रोडक्ट रेडी नहीं है, देखिए यहाँ पर मैसेज भी दे रहा है कि अगर आपने अगर इससे मार्क कर दिया तो यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू श्योर यू वॉन्ट टू मार्क द वन सिलेक्टेड ऑर्डर्स एज RTD, दिस एक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यानी कि इसे आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपने RTD कर दिया है तो जो डिलीवरी बॉय है, जो पिकअप बॉय है, वो आएगा आज लेने के लिए इस डिलीवरी को, तो इसे आप सोच समझ कर कीजिएगा। तो आप मार्क RTD किस समय कर रहे हैं ये भी मायने रखता है। मैं मार्क RTD अभी कर रहा हूँ, देखिए मेरे इस स्क्रीन पर कि 11:27 हो रहे हैं, तो मैं मार्क RTD कर देता हूँ अब मैं। तो वन पेंडिंग हैंडओवर हो गया, यानी कि सिर्फ हैंडओवर पेंडिंग है। तो यहाँ पर इसे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये जो 29 तारीख है आज, तो 29 तारीख को 2 से 4 के बीच में जो पिकअप बॉय है वो डिलीवरी को लेने आएगा। यहाँ पर हैंडओवर डेट एंड टाइम आपको दिखाया जा रहा है। तो डाउनलोड मैनिफेस्ट पे हमने क्लिक कर लिया और डाउनलोड मैनिफेस्ट को भी चेक कर लेते हैं ये क्या है। इस फोल्डर को ओपन करते हैं, देखिए ये लॉजिस्टिक्स मैनिफेस्ट है। ये एक पेज में एक ही आता है लेकिन इसको आपको दो की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि हम इसे कैसे दो करेंगे ताकि एक ही पेज में दोनों प्रिंट आ जाए। तो आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे लॉजिस्टिक मैनिफेस्ट का, और इसे हम एज ए इमेज सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम एक नया पेज लेंगे, देखिए एक हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज लेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम एक नया पेज लेकर के इसमें हम इंसर्ट इमेज करेंगे, और जो हमने मैनिफेस्ट का स्क्रीनशॉट ले रखा है यहाँ पर उसे हम पेस्ट कर देंगे, यानी इंसर्ट कर देंगे, और फिर इसे हम साइज़ को घटा बढ़ा लेंगे। देख लेते हैं कि कितना हमें चाहिए। एक पेज में 2 आ जाए तो काफ़ी है, इसकी बस 2 ही कॉपी की ज़रूरत है हमें। तो देखिए हमने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया और ये एक पेज पर 2 आ गया, यानी कि अब आप सिर्फ एक ही प्रिंट आउट लेंगे तो ये दोनों काम हो जाएगा। और इसे हम डिवाइड कर देते हैं बाद में, एक जो जाता है पिकअप बॉय के पास और एक आपके पास रखना ज़रूरी होता है। ये बहुत ज़रूरी कॉपी है इसलिए इसका हमें 2 चाहिए। तो इस तरह से हमने एक पेज में 2 निकाल लिया, 2 मैनिफेस्ट हमने इस तरह से निकाल लिया है। तो ये तरीका आप समझ लीजिए ताकि पेज वेस्ट ना हो। और दोस्तों आप चाहे तो डाउनलोड ऑर्डर लिस्ट भी कर सकते हैं डाउनलोड, जो कि एक एक्सेल शीट होता है जिसमें आप देखते हैं कि आज के दिन आपको कितने ऑर्डर आए हैं। ये किसी को देने की दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए होता है रिकॉर्ड के लिए।
तो इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने एक फोल्डर बना रखा है फ्लिपकार्ट ऑर्डर का, जिस भी कस्टमर का नाम का ऑर्डर आता है उसके नाम का मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, और उसके जितने भी सॉफ्ट कॉपीज़ हैं बिलिंग के, मैनिफेस्ट के, उसको मैं यहाँ पर सेव करके रख लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, इसके मुझे डबल डबल प्रिंट ना रखने पड़े। सिर्फ हमें उतना ही प्रिंट निकालना है दोस्तों जितनी की ज़रूरत है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं किस तरह से हमें पैकेजिंग करना है। पूरा प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों मेरे पास जो ऑर्डर आया है वो इस बुक के लिए आया है, सफल शादी का यूज़र मैनुअल, जिस बुक को मैंने लिखा है। तो इसको हम चलिए पैकेजिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने जो आपको दिखाया था प्रिंट निकालने के लिए लेबल, इसको लेबल बोलते हैं, और ये जो होता है ये छोटा सा साइज का, इसको हम इस कवर के बाहर रखते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वो, ये जो स्कैन का पार्ट दिया हुआ स्कैन, तो ये कोड स्कैन कोड को ही जो पिकअप बॉय आता है वो स्कैन करता है और उससे उसका ऑर्डर प्रोसेस में जाता है। फिर इस पार्ट को ऊपर रखते हैं, और ये जो कस्टमर के लिए बिलिंग का है, कस्टमर को जो हमें बिल देना पड़ता है ना, तो ये उसमें बिलिंग डिटेल्स लिखा हुआ है, प्राइस वगैरह, कितना शिपिंग चार्जेस, मेरा एड्रेस और इस पे कस्टमर का एड्रेस वगैरह लिखा रहता है। तो ये जो है ये हो गया कि हमें इसका एक जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको हमें बिलिंग के साथ बुक के अंदर रखना है और इसको ऊपर रखना होता है, मैं आपको सब बताता हूँ। और साथ ही साथ एक और हमें प्रिंट करना पड़ता है, और ये वो है मैनिफेस्टो, इसको मैनिफेस्ट बोलते हैं, क्योंकि इसका एक जो साइज है ना, ये वाला साइज एक रहेगा पिकअप बॉय के पास, एक रहेगा आपके पास, कि प्रूफ के लिए कि वो कितने बजे आया और आपसे कितना कॉपी ले गया, कितने बजे ले गया टाइम, और आपको यहाँ पर अपना, जैसे मेरा लाइफ चेंजिंग बुक्स है तो मेरे पास इसका ये भी है जो स्टाम्प बोलते हैं, इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको सब कुछ। तो दोस्तों क्या होता है ना कि एक बार जो हमारे पास जब प्रिंट निकालते हैं तो हमारे पास इसका सिर्फ एक पार्ट आता है, तो इसे मैंने डबल किया है, उसका प्रोसेस भी मैंने आपको वीडियो में बताया है कि किस तरह से आपको डबल करना है ताकि आपको दो पेज प्रिंट ना करना पड़े, एक ही पेज में आ जाए। ये हो गया, और ये जो है इसको भी कहते हैं कि दो रखना चाहिए, लेकिन मैं दो नहीं रखता क्योंकि हमें गो ग्रीन इनिशिएटिव के तहत हमें एक कस्टमर को देना तो बहुत ही ज़रूरी है, पेपर जो कस्टमर को चाहिए, बाकी हम अपने पास क्या करते हैं कि इसको हम रख लेते हैं कंप्यूटर में या पेन ड्राइव में सेव करके फॉर प्रूफ। तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, एक ही निकालिए आप और इसे भी एक निकालिए, यानी कि दो ही आपको प्रिंट निकालने हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गई प्रिंट की बात, और अब आपको पैकेजिंग के लिए क्या चाहिए दोस्तों। तो पैकेजिंग के लिए दोस्तों देखिए, इस तरह का गत्ता होता है ना, इस तरह का गत्ता, तो ये मार्केट में मिलता है। अगर आपके गत्ते में कोई प्रिंट है बिस्किट का या चिप्स का कोई, तो वो भी चलेगा, लेकिन उसका जो है ना, उस लिखे हुए पार्ट को अंदर रखिएगा। तो मैंने प्लेन गत्ता लिया था, इस तरह का मुझे मिल गया था, वैसे फ्लिपकार्ट में भी ऐसा मिलता है साइज का, लेकिन वहाँ पर थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती है। और सबसे ज़रूरी बात कि महाराष्ट्र के पैकिंग के लिए आपको प्लास्टिक अलाउड नहीं होता है, आप प्लास्टिक में बंद करके जो प्लास्टिक वाला पैक होता है जो, वो यहाँ पर नहीं चलता है, वो साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए कि नो प्लास्टिक अलाउड, यहाँ पर दिखाइए नो प्लास्टिक पैकेजिंग, यानी कि आपको प्लास्टिक कवर के अंदर पैकेजिंग नहीं देना है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सिर्फ कार्टून पैक अलाउड है इस तरह का। तो चलिए, ये तो मैंने आपको कागज़ के बारे में समझा दिया। अब ये जो गत्ता है जिसको ये बुक है, तो बुक को हमें डायरेक्ट कभी भी इस तरह से पैक करके नहीं भेजना होता है। इसके लिए हमें दोस्तों क्या क्या चाहिए होता है, फ्लिपकार्ट से आपको मंगाना पड़ता है। एक तो आप ऐसा आपको एक रोलर चाहिए जो प्लेन रोलर होता है, इसको ट्रांसपेरेंट शीट बोलते हैं, तो इस तरह का एक चाहिए होता है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। और आपको चाहिए बस ये एक फ्लिपकार्ट का ब्रांड, जो ये इस पर फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है, इस पर जब हम चिपकाएंगे ना तो ये फ्लिपकार्ट का पूरा लेबलिंग लगा हुआ है। फ्लिपकार्ट का ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है, आप किसी भी नॉर्मल सेलोटेप से भले ही पैक कर लीजिए, लेकिन उसके ऊपर आपको ना फ्लिपकार्ट का ब्रांड का जो ये टेप है ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक मस्ट है आपके लिए बाय करना, और ये एक मस्ट है। और प्लस आप जिस कंपनी के नाम से अपना बुक सेल कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उसका आपके पास ऐसा एक स्टाम्प होना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें मस्ट है। बाकी आपको कैंची चाहिए होता है, एक कटर चाहिए होता है, और एक स्केल चाहिए होता है, ये किस लिए मैं दिखाता हूँ आपको भी। तो सबसे पहले हम बुक को पैक करते हैं, सबसे पहले बुक को हम कैसे रैप करते हैं देखिए। तो दोस्तों हमें बुक को कभी भी इस तरह से नहीं भेज देना है, इससे क्या है इंप्रेशन अच्छा नहीं जमता, और इसलिए भी करना ज़रूरी है कहीं बारिश में अगर कुछ वो ज़्यादा पानी वानी गिर जाता है बुक पे, तो वो जो है ठीक रहता है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से आपको एक बार इधर से घुमाना है, ये हमारा बुक जो है इस तरह से पैक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो प्रिंट हमारा लेवल है इसको मैंने बताया था आपको किस तरह से हमें इसे कट करना है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह के स्केल से
तो ये जो डॉट डॉट लाइन है ना दोस्तों, इसको हम मार्क करते हुए वैसे इसको स्केल के सहारे इसको कट कर देंगे इसी मार्क से। आप कटर से भी काट सकते हो वैसे मेरी तरीका। और ये हो गया कस्टमर का कॉपी, कस्टमर का बिलिंग कॉपी। इसको हम इस तरह से अच्छे से फोल्ड करेंगे। तो ये है पिकअप बॉय के लिए। तो जब पिकअप लेने आएगा तो इसको हम कट नहीं करते हैं, इसको भी लगाने का एक तरीका। इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे और इसको हमें ऊपर रखना है। ध्यान रखिएगा कि ऐसे रखना है हमें। चलिए अब हम, ये हमारा दो चीज़ हो गया मेन मेन चीज़। अब हमारे पास ये एक जो है इसको भी हमें कट कर लेना है। इसको कट कर लेंगे, एक जाएगा कस्टमर, एक जाएगा पिकअप बॉय के पास, एक रहेगा हमारे पास प्रूफ के लिए। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो बिल है कस्टमर का, जो बिल कस्टमर का है, यहाँ पर आप अपना स्टम्पिंग कर दीजिए और लाइफ चेंजिंग बुक्स ऑथराइज सिग्नेचरी। तो यहाँ पर हम अपना स्टम्पिंग भी कर देंगे। देखिए इस तरह से छप जाता है यहाँ पर जो सिग्नेचर करने के लिए फॉर लाइफ चेंजिंग बुक्स। अब मैं यहाँ पर अपना साइन कर दूंगा और ये कस्टमर का बिलिंग हो गया प्लस। तो इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे, इसको यहाँ पे स्टम्पिंग कर देंगे। ये फॉर लाइफ चेंजिंग बुक्स हो गया यहाँ पर, और एक बार यहाँ पे भी कर देंगे। ये सब हमारा काम जो है डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा हो गया। यहाँ पर हमने सारा कर लिया काम, यहाँ पर हमने स्टम्पिंग भी कर लिया, यहाँ पर भी कर दिया। ये हमारे प्रूफ के लिए रखेंगे, एक हम उनको देंगे। तो हमारे प्रूफ के इधर रख देते हैं, तो इस तरह से पैक करेंगे। देखिए पहले हमने इस बुक को रखा इसके अंदर, फिर हमने इसके अंदर बिल रख दिया है, फिर इसको इस तरह से डालेंगे, इस तरह से इसको करेंगे। और अब हम इसको जो है याद से दोस्तों बिल रखना मत भूलिएगा एकदम। और अब जो है हमारा ये पैकेज, हमने इस साइज़ का बना रखा है क्योंकि हमारे पास ऑर्डर हमेशा आता रहता है, तो हमने इस तरह के गत्ते बना रखे हैं अपना साइज़ का कि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अब हम इसको पैकेज करके आपको दिखाते हैं पैकिंग करके। इसके लिए दोस्तों ये जो फ्लिपकार्ट का ब्रांडेड टेप होता है, ये आपको फ्लिपकार्ट मिल जाता है। एक साथ आपको 6 का सेट खरीदना पड़ता है, बहुत ही आसान है दोस्तों। इसको हम इस तरह से इसका जो है पैकिंग करते चलेंगे, आपको दिखाऊँगा मैं डालेंगे। पैकेजिंग करते समय जल्दीबाजी भी नहीं करना है, आराम आराम से पैकिंग करना है। और इसको इस तरह से यहाँ से पैक करेंगे। ये हमारा ऑर्डर, ये हमारा पैकेजिंग रेडी हो गया, लेकिन अभी ऑर्डर अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें एक मेन काम, बहुत ज़रूरी काम बाकी है, और वो ये है। तो इसको आपको ऐसे रखना है बाहर, क्योंकि ये जाएगा वेयर हाउस में जाएगा जहाँ से ऑर्डर बढ़ता है। तो इसको आपको कैसे लगाना है देते, इसलिए भी ये चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हम सब कट कर लेते हैं अपना साइज का। तो ये बहुत ज़रूरी भी है, कहीं पानी वानी में दिख कुछ पानी वानी गिर गया तो भी ये ख़राब नहीं होगा, ये एक तरह से लेमिनेशन हो गया। अब हम इसके साइड साइड से जो इसका साइड साइड है इधर हम लगा देंगे। तो देखिए इसके ऊपर भी लगाएंगे। इस तरह का पैकेजिंग आप करेंगे ना तो रिजेक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं उठेगा, इतना बढ़िया आपका मतलब पैकेजिंग हो गया है। अभी देखिए ये हो गया कंप्लीट पैकेजिंग। ये जो आपका पाउच, जो मेन चीज़ें जो स्कैनर यहाँ पर है, जो डिलीवरी बॉय को दिखाना है, वो इसके अंदर है। ये निकलेगा भी नहीं, गिरेगा भी नहीं। अगर आप ऐसे ही चिपका देंगे तो हो सकता है कि कागज़ फट जाए। अभी अगर आपको ये कागज़ निकालना भी है तो कोई दिक्कत नहीं, कागज़ का प्रिंट खराब होने वाला नहीं है। आपको जस्ट सिंपली इसको यहाँ से निकालना होगा, खोलेंगे और ये निकल जाएगा। चाहे तो आप, अगर आपको कट करके कुछ कारण से निकालना भी, तो आप इसको इस तरह से कैंची से काटेंगे थोड़ा सा कटर से और वो निकल जाएगा। लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा जब डिलीवरी बॉय आएगा ना पिकअप बॉय लेने के लिए, तो इसको स्कैन कर लेगा, इजीली स्कैन हो जाएगा। तो ये जो है आपका पैकेजिंग पूरा रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें वेट करना है। कि आपको मैं और एक बात बता दूँ, अगर आपने अगर जैसे कि एक दिन में 2 बार डिलीवरी का सिस्टम है, तो मैंने, मेरा ऑर्डर आया है कल रात को, आज 29 तारीख और 28 तारीख को मेरा ऑर्डर आया है रात को 11 बजे। तो मेरे पास टाइम था 31st तक देने का। अगर मैं 31st तक मुझे देना ही था किसी हाल में, तो मुझे वीडियो भी बनाना था, आपको समझाना था कि किस तरह से इसका काम करते हैं। तो मैंने जो है RTD रेडी टू डिस्पैच जो होता है, वो मैंने वह 11:20 पर किया। तो जब मैंने रेडी टू डिस्पैच 11:20 पर किया, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि आज ही वो 2 बजे से 4 बजे के बीच आएंगे। ठीक है, तो 2 से 4 के बीच वो आएंगे जब ये लेने के लिए, तब हम उसको देंगे। अगर आप सुबह 9 बजे तक करते हैं या 7-8 बजे तक भी अगर RTD करते हैं, RTD यानी कि आपका ये रेडी रहना चाहिए, RTD बिना प्रोडक्ट रेडी किए इस तरह से RTD मत करिए। मतलब पहले
और आरटीडी करने के लिए भी आपको लेवल निकालना जरूरी है। तो मतलब आप पहले सब कुछ डिसाइड कर लीजिए, आपका बुक होना चाहिए स्टॉक में, प्लस आपके पास सारे जो मटेरियल्स है, स्टेशनरीज है, ये सब सामान ये भी होना चाहिए। नहीं तो आपका अगर ऑर्डर कैंसिल हुआ एक बार तो आपके ऊपर पेनल्टी चार्जेस लगते हैं, आप एक हफ्ते के लिए कुछ सामान नहीं बेच सकते हैं फिर आप, और आपको जो है रैंकिंग में गिरा देते हैं। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्टॉक अच्छे से मेंटेन भी करना है, ये सब बातें बहुत लोग नहीं बताते हैं, तो ये जान लीजिए। अगर आपके पास स्टॉक 5 है तो 5 ही डालिए, 50 मत डालिए। ये अब हम देखेंगे कि जब हमारे पास पिकअप बॉय इसको लेने के लिए आएगा तो उसमें भी एक दो प्रोसेस होते हैं, उनके पास भी हमें कुछ लिख कर देना पड़ता है, तो वो सब हम देखेंगे जब हमारे पास पिकअप बॉय आएगा। तब तक हम इंतजार करते हैं उनका आने का। अभी बज रहे हैं हमारे पास कितने, अभी 12:38 हो रहे हैं, तो देखते हैं वो कितने बजे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है ना ये पिकअप बॉय जो आए हैं उसको स्कैन कर रहे हैं, अभी स्कैन जो मैंने बताया था आपको, स्कैन कर रहे हैं, स्कैन हो गया, स्कैन हो गया। अभी पैकेज ले लिया हमने, स्टैम्प लाना होगा, देखिए हमें रिसीविंग मिल जाता है कि हमारा ये पार्सल चला गया, और लाइफ चेंजिंग बुक्स मेरा प्रोप्राइटर सैमसंग, और एक उनकी तरफ से देते हैं रिसीविंग, इस तरह का आपको मिलता है। डिटेल्स ऑफ कंसाइनरशिप पर जो लेके जा रहा है ई कार्ड वाला, तो वो लाइफ चेंजिंग बुक यहाँ पे अपना नाम लिखा, उसने डेट लिखा, टाइम लिखा, मेरा साइन लिया, RTO, ये मतलब ये अब चला गया। तो दोस्तों ये हुआ कंप्लीट प्रोसेस जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको ऑर्डर डिस्पैच करना है, शुरुआत से लेकर अंत तक डिस्पैच हो गया। भी आपने आपके सामने पिकअप बॉय आकर लेकर चला गया सेम डे 3:10 में अभी आया। तो ये जो मैंने कंप्लीट वीडियो आपको बताया, आपको कैसा लगा इस वीडियो को, आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय दीजिए, और आपको अगर कोई भी डाउट है तो उस वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। जानकारी आपको कैसी लगी, इस जानकारी को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।